नामीबिया के 22 साल के बल्लेबाज जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने सभी को पीछे छोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी लगाई। इस बल्लेबाज ने नेपाल T20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में नेपाल टीम के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों में शतक पूरा किया। इसके साथ ही वो इस फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उनसे पहले ये रिकॉर्ड नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला के नाम था। उन्होंने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों में शतक जमाया था। निकोल लॉफ्टी ने नेपाल के खिलाफ 36 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 बड़े छक्के और 11 चौके मारे। उनका 280.56 का स्ट्राइक रेट रहा। भारत के लिए रोहित शर्मा सबसे तेज T20 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में 35 गेंदों में शतक जड़ा था।